11.4.2 अधातुओं की आपस में अभिक्रिया। हम जानते हैं कि जब अधातुएं आपस में अभिक्रिया करती हैं तब सहसंयोजी यौगिक बनते हैं। अधातुएं अनेक सहसंयोजी यौगिक बनाती हैं। यहाँ हम केवल क्लोराइड और ऑक्साइड अर्थात क्लोरीन और ऑक्सीजन के यौगिकों को समझेंगे। क अधातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया। अधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्लोराइड बनाती हैं। सी सॉलिड प्लस ट्वाइस Cl2 गैस इज इक्वल टू CCl4 लिक्विड। H2 गैस प्लस Cl2 गैस इज इक्वल टू ट्वाइस HCl गैस। P4 सॉलिड प्लस 6Cl2 गैस इज इक्वल टू 4PCl3 लिक्विड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ख अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती हैं। सी सॉलिड प्लस O2 गैस इज इक्वल टू CO2 गैस। S सॉलिड प्लस O2 गैस इज इक्वल टू SO2 गैस। P4 सॉलिड प्लस 5O2 गैस इज इक्वल टू P4O10 सॉलिड। ध्यान रहे कि यौगिकों के सूत्र में कम विद्युत ऋणात्मक अधातु पहले और अधिक ऋणात्मक बाद में लिखी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता का मान अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक है, इसलिए यौगिकों के सूत्रों में इन्हें बाद में लिखा जाता है। अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। फॉस्फोरस की अल्प मात्रा एक पोर्सेलिन की प्याली में ली जाती है। अब एक ग्लोइंग स्प्लिंटर की सहायता से फॉस्फोरस को जलाया जाता है। इसे गैस जार की सहायता से ढक देते हैं। हम देखते हैं कि गैस जार सफ़ेद धुएं से भर जाता है। गैस जार को सीधा कर इसमें थोड़ा पानी डालकर हिलाया जाता है। सफ़ेद धुआं पानी में घुल जाता है। अब इसमें लिटमस विलयन की कुछ बूंदें डालने पर नीले लिटमस का रंग बदलकर लाल हो जाता है। इससे पता चलता है कि फास्फोरस के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। यह प्रयोग दर्शाता है कि अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है।